शट अप गाइस, शट अप। पता है माइकल जैक्सन एक छोटा सा काला सा प्यारा 8 साल का बच्चा इतनी छोटी उम्र में अपने गाने कंपोज किया करता था। हाँ, इसीलिए बड़ा होकर इतनी सुंदर औरत बन गया है। इसीलिए मैंने 8 साल की उम्र में गाना नहीं चालू किया। बड़ा होकर ऐश्वर्या राय बन जाता। अभी तो नहीं। अरे भाई, तेरी गाड़ी है क्या? तेरी गाड़ी है? मेरी तो नहीं। Hi guys, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा गाना। मेरी कुछ मदद करोगे? एक जिंगल बनाना है। Like, yeah. मेरी कंपनी एडवर्टाइजिंग फिल्में बनाती है। एक क्लाइंट के लिए नए सॉफ्ट ड्रिंक का लॉन्च करना है जो यहाँ की देसी पॉपुलेशन के लिए टारगेटेड है। योर म्यूजिक हैज द राइट फील जो मुझे चाहिए, करोगे? थैंक्स बट नो थैंक्स। हमें इस जिंगल विंगल के बारे में कुछ नहीं। हम लोग जानते ना जिंगल क्या होता है? 6-7 हिट सिंगल दैट मिंगल स्टार अ जिंगल। That's a jingle. Good. हम लोग कर लेंगे ना guys? Sure. हर काम का first time तो होता ही है ना? अगर कल सुबह तक compose कर दोगे तो मैं 20,000 pounds तक दे सकता हूँ। मगर होना चाहिए एक masterpiece. ये रहा मेरा card. Call me in the morning. यही थी हमारी जिंदगी और यही करते थे हम। दिन में अपना अपना काम और रात को म्यूजिक। और फिर उसी रात किसी ने रॉकर को मार दिया। पुलिस के रिकॉर्ड में तुम्हारा वर्जन है, पुलिस का वर्जन है, लेकिन उससे ऊपर एक और वर्जन है, सच्चाई का वर्जन, जो मैंने रिकॉर्ड में नहीं पढ़ा, क्योंकि है नहीं। हमने जो कुछ भी कहा है वो सच्चाई का वर्जन है। हमने सच कहा है। सच कहा है, लेकिन लेकिन सारा सच नहीं। विवेक अग्निहोत्री, टू हेल विद इट। कम ऑन, कोशिश तो करते हैं ना। क्या कोशिश करते हैं? आई एम आउट ऑफ दिस। कल सुबह वो आ जाएंगे, या तो नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कहेगा, अरे सॉरी गाइस यार, मैंने अभी अभी AR रहमान को साइन किया, तो बैड लक नेक्स्ट टाइम। या मैं अपने क्रिसमस ईव इस विवेक अग्निहोत्री के चक्कर में बर्बाद नहीं करने वाला। आई एम ऑफ फॉर अ ड्रिंक, यू गाइस वांट टू जॉइन मी? यू आर मोस्ट वेलकम। यस बेयर टाइगर टाइगर। यस अरे रॉकर रॉकर, बाय। रॉकर भी ना, जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तो चला क्यों जाता है? तुमने ये नोट किया? हां किया। हमेशा गुस्सा, व्हाई? जब कोई आदमी छोड़ के चला जाए ना तो उदास नहीं होते। यू जस्ट से नेक्स्ट। चलो, फर्स्ट सम गुड सेक्स एंड देन लेट्स स्टार्ट। अच्छा तो है हमारा जिंगल, और भी है हमारे पास। अरे चुराए गई हमेशा के कुछ ओरिजिनल ही हो जाएगा। चुरा कर रहा है ये तो उठा रहा है। अरे यार प्लीज प्लीज। चाइल्ड बर्थ में कितना दर्द होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जिंगल कंपोज करना उससे कम नहीं लग रहा है। फॉर गॉड्स सेक स्वीटहार्ट, इट्स द सेम थिंग। दोनों में उतना ही लेबर लगता है। क्यों? आ गया आ गया आ गया आ गया। लिसन लिसन टू दिस। Cool. Thank you.
गए हमें 20,000 pounds. रिकॉर्ड ओके रेडी टू गो. और इस बटन पे लिखा है 20,000 pounds. ओए कुत्ते लोग चुप. क्या हो रहा है? इतना अच्छा जंगल बना दिया गया हम लोगों ने. जान बजाकर भाग रहे हैं क्योंकि कान नहीं बंद कर सकते. क्या है? इधर क्यों जा रहे हैं? कोई है क्या यहाँ? अरे बांधो यार इनको. अरे पीपी, ये रियाज करते वक्त क्या कुत्तों को साथ में रखता है? सुर में भोंकते हैं यार. मामूली कुत्ते नहीं है ये. बढ़िया खाने को मिलता है, बढ़िया सोने को मिलता है. हमसे भी अच्छी सेक्स लाइफ है इनकी. क्या? हमसे नहीं यार, तुमसे अच्छी. चल. कुत्तों को हुआ क्या था? ऑडिशन दे रहे थे जंगल का. अच्छा नहीं लगा? I thought you love rap. Rap Virat, not dog crap. काम शुरू करें. Come on, PP, start. कैसे शुरू किया था? मुझे याद नहीं आ रहा. क्या? याद नहीं आ रहा? एचे बताना इसको. एफ शार्प था या सी माइनर. I'm sorry, I can't remember, bro. नोट क्या था यार? कुत्तों के लफड़े में भूल गया यार. याददाश्त अच्छी ना हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासतौर मेरे साथ, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है. मैं सच को सूंघ लेता हूं. I smell the truth. So the truth, चिप और देवा के बारे में. अगर कल रात वो तुम्हारे साथ है तो अभी क्यों नहीं है? देखो सिर्फ 5 दिन रह गए हैं. 5 दिन के बाद तुम जहां पहुंचोगे वहां मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक कनेक्शन है. इलेक्ट्रिक चेयर. थैंक यू. फ्रीडम विल नॉट बी इजी, पर मिल जाएगी. पूरे यूके में मेरे सिवा और कोई लॉयर ये नहीं कर सकता. सो द ट्रुथ अबाउट चिप एंड देवा. मैं बताती हूं. The truth. हम चारों साथ में पुलिस स्टेशन के लिए निकले. ये वही ट्यून है जो हम कल रात को कंपोज कर रहे थे? यस, वही ट्यून है. ये तो वही है यार. देखते कौन है. वो दे समझ में आया कुत्ते काली टोपी ब्लैक सूट.
एक आदमी आपकी जबरदस्त ट्यून विसल कर रहा था जो रात को 3:45 बजे आपने कंपोज की और अंदाजन उसी वक्त रॉकर मरा। उसके बाद वो आप लोगों को मारने आया और जाहिर उसी वक्त उसने वो जबरदस्त ट्यून भी सुनी होगी। वो ट्यून सुनकर कुत्ते भौंके और वो भागा। वेरी म्यूजिकल। अगली सुबह चलते चलते उसने चिप और देवा को मारा। एक बात मेरी समझ के बाहर है कि आप लोगों की जान भी खतरे में थी फिर भी आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? Why? वहां गोली चली थी सर, हमारा एक बंदा मर गया था। ऐसे में आपको पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? भागो जान बचा के। पुलिस का कौन सोचता उधर? मैं डर गया था। चलो आपके फ्रेंड की बात मान लेते कि वो घबरा गए थे। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं आपसे पूछ रहा हूं विराट, आर यू श्योर आप हमारे लॉयर हैं या कोई ब्रिटिश एजेंट? मैं बताता हूं इसने क्यों नहीं बताया। वो रिवॉल्वर इसकी थी। इंसान की जिंदगी में काफी तय होती हैं लेयर्स, जैसे कि हिचकॉक की फिल्म्स माय गुरु। मेरी मां कहती थी प्यास की हर तय का अलग स्वाद होता है और जब हर तय को छीलते हैं तो आंसुओं की तासीर भी बदलती रहती है। तुम रिवॉल्वर क्यों रखती हो? क्योंकि हम पांचों के बीच भी एक था कोई डरपोक, कावर्ड, बास्टर्ड। आई लव यू बेबी।
मानसून संभालना उसे। श्योर। Sim, relax. Just leave me alone. God. Allow me. Do you like cigars? Not anymore. I have breathing problem. Thanks. Yeah, as it is, you can't smoke here. Okay. पीपी, मैं लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी टैक्सी लगता हूं तुझे। अंडरस्टैंड एंड टॉक। मैंने जितने केस जीते हैं तू गिन भी नहीं सकता। Hardcore criminals, psychos, cannibals, serial killers, corrupt governments, trade unions, sub. और हर केस के बाद I become more smart, smarter and smartest. तेरे जैसे कई सौ लोग जो सिर्फ अपने टांगों के पीछे सोचते मिलकर मेरी बराबरी नहीं कर सकते, मुझसे छुप नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते, भाग नहीं सकते। सो डोंट वेस्ट माय टाइम, टेल मी, सिम के पास रिवॉल्वर क्यों था? व्हाई? आपके हाथ में सिगार क्यों रहता है? इस जगह पी नहीं सकते लेकिन फिर भी रहता है। रहता है ना, हाथ में रखने से थोड़ा स्टेटस बढ़ता है ना, दिखाने के लिए। ऐसे ही रॉकर ने सिम को रिवॉल्वर दिखाने के लिए दिया था, चलाने के लिए नहीं। रॉकर सिम को लेके इनसिक्योर फील करता था बहुत, और ये लड़की किसी को भी इनसिक्योर फील करा सकती है, किसी को भी। देवा को पता था, मुझे पता था, एवरीथिंग वॉज क्लियर। मैंने रॉकर को समझाने की कोशिश की, मैंने कहा देख यार, इस लड़की के चक्कर में मत पड़, ये लौंडी बहुत कुत्ती चीज है, ये तुझे कहां से घुसा के किधर निकालेगी तेरे को खबर भी नहीं होगी। लेकिन नहीं, फैल गया। मैंने कहा यार प्यार अंधा होता है, और प्यार में पढ़ने वाले उससे बड़े अंधे होते हैं।